Namaskar, I'm Harpreet Kaur, and I welcome you all to our live and interactive session. This session is specially meant for the students of class 9, and you are watching this live session on our e Vidya channel number 9. जी हाँ आज का सब्जेक्ट हमने लिया है मैथमेटिक्स एंड टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट टू दैट मीन्स कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पहला पार्ट ले चुके हैं जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन पार्ट वी विल गिव यू अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी लर्न इन पार्ट वन इन अ वाइल्ड लेकिन हम आपको बता दें इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद अस सेशन लाइव एंड इंटरेक्टिव है विच मीन

One is the curved surface area, which is pi rl, and the base, this is the base that is pi r square. What is uh, r and l? r, l are the terms that we use for the radius as well as the slant height, l right. represents the slant height. So, we can see that uh, this cone is extremely, you uh, know, important figure or. Uh, जब हम इसकी फिगर को समझ लेते हैं वी अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दैट तो कैलकुलेशंस भी इजी हो जाती हैं हाँ जी जी

अब स्टार्ट विद द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है फोर पाई आर स्क्वायर दैट इज आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ठीक नाउ वी हैव अ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर मींस स्फीयर कट इन टू पार्ट्स आपको दिख रहा है ये कट पार्ट ऑफ द स्फीयर तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स सो हाउ मेनी सरफेसेस डज दिस हैव एक सरफेस ये हो गया और एक बेस सरफेस यस सो देयर आर टू सरफेसेस फॉर अ हेमिसफियर अच्छा अब ये हेमिसफेयर का हाफ पार्ट है स्पेयर का हाफ पार्ट है सो इसका कर्व सरफेस एरिया विल बी टू पाई आर स्क्र जो हाफ ऑफ फोर पाई आर है एंड देन टू दैट वी नीड टू ऐड ऑन वन मोर सरफेस दैट वी हैव दैट इज द बेस ऑफ द दर सो इस तरह से दो सरफेस का एरिया एड करेंगे तो वी गेट द एरिया ऑफ द हेमिसफेयर एज थ्री पाई स्क्वायर ओके सो दिस आर द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव फॉर टूडे दैट इज सर्फेस एरिया ऑफ द स्पेयर एंड हेमिसफेयर Now, एक चीज का ध्यान रखना और ये करने में आपको कुछ कुछ नंबर दिखेंगे जो हमको एक फॉर्मुला में अप्लाई करना पड़ता है mm. अब जो भी नंबर्स दिखेंगे फॉर सर्टन वैल्यूज यूजअली एनसीआर टेक्स्ट बुक में वो रैंडम नंबर्स नहीं होता मैं हर क्लास में ये बताती वो रैंडम नंबर्स नहीं होता है वो नंबर्स होते हैं जो उस कंटेंट के रिलेटेड है लाइक आप यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जैसे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ दैट स्फीयर तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस विल बी हाफ द डायमीटर दैट विल बी 21 वन ऑन टू ठीक है सो नाउ वी नीड टू अप्लाई ओनली दिस फॉर्मूला फोर पाई आर स्क्वायर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे तो वी हैव द वैल्यू ऑफ आर एस ट्वेंटी टू होल नाउ इन ब्रैकेट यहाँ कुछ लिखा हुआ है दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई पाई लास्ट क्लास में भी कहाशनल नंबर बच्चों ये हमेशा याद रखना इट्स अ नंबर नंबर क्या होता है द नंबर्स विच ऑन राइटिंग इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स विल नेवर बी टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग बट अगर आप इस नंबर को देखेंगे ट्वेंटी टू ऑन सेवन इट विल इट विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा वाई डू वी यूज इट इट इज अप्रॉक्सिमेट नियरेस्ट वैल्यू दैट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पज ठीक है तो हमें कैलकुलेशन पर्पज में कोई वैल्यू यूज करना है इसलिए हम ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन लेते हैं अच्छा ये ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन यहाँ का उसका पर्पज क्या है लिखिए आप वैल्यूज डालें फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी टू ऑन सेवन ट्वेंटी वन अपॉन्ट टू ट्वेंटी अपॉइंट टू दो बार लिखे अब आप देखिए ये ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन और ये ट्वेंटी सेवन देखिए दिस हैज देखिए ट्वेंटी टू 21 and 7 gets cancelled hmm. and you find that there is this cancellation also hmm. so therefore the calculation part that is computation part now becomes easy hmm. now have you understood the importance of this number 21 equal random number the 20 centimeter hmm. then it would, have, it would have been a random number. 21 in particular the easy purpose hai ki calculations will be easier So, hamesha calculate karoge, compute karuge to see that

ये ट्वेंटी ट्वेंटी टू 20 सेवन यहाँ लिखेंगे तो क्या इसको लिविंग इट इन द फॉर्म ऑफ फैक्शन और डेसिमल क्या परपज है इसका सो वी कैन ऑलवेज टेक दिस वैल्यू एज पाई इट सेल्फ वी डोंट रिक्वायर इट्स वैल्यू अपन उसको आज से छोड़ के वी कैन गो हैड विद्कुलेशन ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिसफियर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अब हेमिसफियर का टोटल सरफेस द फॉमुला फॉर द हेमिसफियस टोटल सरफेस इज थ्री पाई आर स्क्वायर फाइन। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है पाई का वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर ट्वेंटी टू ऑन सेवन वेन यू डिवाइड ट्वेंटी टू बाई सेवन इट्स अप्रॉक्सीमेटली थ्री पॉइंट वन फोर सो दिस इज अनदर वे ऑफ यूजिंग दिस पाई ठीक है नाउ वाई वी हैव यूज दैट पाई एज थ्री पॉइंट वन फोर आपको यहाँ पे दिखेगा रीजन क्योंकि इसका रेडियस टेन है इसको स्क्वायर कह देंगे टू प्लेस ऑफ इट्स नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिस इज नॉट इक्वल इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइन सो दैट वे वी गेट द कैलकुलेशन ईजी यू आपको सिर्फ थ्री एंड थ्री वन फोर का मल्टीप्लीकेशन करना है दैट कम्स आउट टू बी नाइन फोर्टी टू स्क्वायेर सेंटीमीटर जी ठीक है Now we have questions related to the formula. How do we have the variety of questions? Dekhiye, question mein The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. Pehle 7 centimeter tha, then it changes to 14 centimeter as air is pumped into it. Now you have to find the ratio of the surface areas of the two cases. That is pehla case when the radius is 7 centimeter and dusra case when the radius is 14 centimeter.

Or made up of brass has inner diameter 10.5 centimeters. These are application base That is, formula ko or aage extend kaise sakte hain. To ye kya question? A hemispherical bowl is there which is having an inner diameter 10.5 centimeter. Again 10.5, ek random number raha hai. decimal mein. Let's see whether it has a purpose or not. Find the cost of tin plating it at the rate of 16 rupees per square हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है नाउ टिन प्लेटिंग का कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले अपने को तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना अब ये हेमिस्फेरिकल बाउल है तो इसका मतलब इसका इनर सरफेस एरिया ही अपने को काफ़ी है इनसाइड ऑफ द हेमिस्फेयर दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिसफेयर ओनली दैट इज रिक्वायर्ड अपने को बेस की जरूरत नहीं है सो वी नीड ओनली टू पाई आर स्क्वायर हैंस वॉट विल द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग भी इट इज़ कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई इट्स अ रेट दैट वी हैव सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड इज The rate that has been given multiplied by the surface area, fine. Now, let us go for the calculation. See 16 upon 5, 100, 2 is here multiplied by 22 on 7, 105 on 20, 105 on 20. Look at this number 105 on 20, just see 7, 105, this gets cancelled and it becomes 15. So, that was the purpose 105 because 10.5 is can be written as upon 10 and it's a diameter so we divide again it by 2 so we get it as 20 now this 20 we have again calculation how convenient you should take up this computation so that you can easily get the answer he 15 now this is again 105 you have two zeros please don't disturb the zeros of the denominator aapke pass this next calculation is hai 2 and 2 get 2 and 2 that is 4 cancels this 4 by 4 now, what is left is the rest of the multiplication. You see the number and then put the decimals because they are hundred divided by 100. Now, you one more thing, 105 has a 5 in it. So, 105 is actually this is uh, 21 multiplied by 5, and there is 15 which is again having a 5 multiplied by 3. Uh, multiplied by 4 and multiplied by 2 upon 100, and that's another 100. Fine. Now see this calculation 4 and 25 is a hundred. So we can easily calculate and uh, cancel this. So finally, what are we left with? With just the multiplication of 21, 3 and 2 that comes out to be this number. So that's how we calculate the things for even taking it things easily and faster. Okay? Now we have the next question. The next question says the hemispherical bowl is made up of made of steel with this as a thickness there's a thickness in that bowl the inner surface of the bowl is 5 centimeters. you have to find the outer curved surface area of this bowl now can you visualize this ek bowl hai jiska thickness hai this is actually the thickness of that bowl so therefore with this what we find is this has an inner part ye inner part hai and there's a outer part द इनर पार्ट हैज अ डिफरेंट रेडियस आउटर पार्ट हैज अ डिफरेंट रेडियस अब क्वेश्चन है कि आपको आउटर पार्ट का कर्व सरफेस निकालना है तो आउटर पार्ट का अगर कर्व सरफेस निकालना है तो आपको उसका रेडियस जानना है hmm. तो वो रेडियस क्या होगा इट विल बी जस्ट पॉइंट टू फाइव मोर देन द इनर पार्ट इनर पार्ट का कितना रेडियस है इनर पार्ट का रेडियस फाइव उससे पॉइंट टू फाइव एड ऑन करेंगे सो दट इन आउटर पार्ट का रेडियस विल बी फाइव पॉइंट टू फाइव Now, is say we find the um, curved surface area. So that comes out to be 2 pi r square, it is a direct now. See again it is you can get you find that 7 cancels this 525 and that number comes out to be 173.25 square centimeter. Fine. So these are the questions that you have from your textbook based on surface areas formula. Okay? Mm. Now this is another question. ये क्वेश्चन ये है अब देखिए क्वेश्चन में चेंज आ गया देखिए फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फियर आपको एक स्पीयर का सरफेस एरिया निकालना है विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब हुज टोटल हुआ नाइनटी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर तो क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास वी हैव टू फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फियर ठीक है सरफेस एरिया ऑफ अ एस्फर मीनस आपको उसका रेडियस चाहिए अब रेडियस तो कहीं मैंशन नहीं है बट इनस्टिट वॉट इज गिवन कि दैट स्पीय इज इनसाइड अ क्यूब इट्स इंस्क्राइब्ड इन क्यूब. दिस इज क्यूब. यू हैव टू विजुलाइज़ इट ये थ्री डी आएगा थ्री डी में क्यूब ऐसे रहेगा इन साइड दैट क्यूब वॉट इंफॉर्मेशन डू यू गेट आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज ये जो लेंग है ये जो लेंथ है दिस इज एक्चुअली द डायामीटर ऑफ द स्पीयर इज एंटेड द डायमीटर ऑफ द स्पीयर तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें डायामी स्पीयर कहाँ से मिलेगा अगर हमारे पास क्यूब के एडजस्ट का लेंथ है तो दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला नाइन्टी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब वील अपलाई द फॉर्मूला फॉर द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब दैट इज सिक्स एल स्क् तो सिक्स एल स्क्र इज नाइंटी सिक्स

That is the answer. Now, see, I have left the answer in pi. Why is it in pi? That is because 16 and if you use any value of pi, either a 22 on 7 or a 3.14, it does not make any sense because this will remain as an irrational number throughout because a pi ka value irrational. So keep it in that form. Fine. Right? So that is how we find the. Now, question is.

sorry it's 16 pi. So that will change. I'm sorry, its value is So it's 4 times 4 times 4 on 16 pi. So you can read the answer as the ratio comes out to be it is 4 on the ratio is 4 is to pi. So that's the answer we have. Fine. So the next question that we have is now similarly a right circular cylinder. एंड सिलेंडर नॉट इट्स अ सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इट इज अगेन दैट इज अ स्फेयर इज इनसाइड अ सिलेंडर दैट मीन्स द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर दे टच द स्वीयर ठीक है फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द स्फियर सबसे पहले सर्फेस एरिया एंड देन द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यह दोनों चाहिए तो इन्फॉर्मेशन क्या है द रेडियस ऑफ द स्फीयर वी हैव द रेडियस ऑफ द स्फीयर सो द रेडियस ऑफ द स्फेयर दैट वी हैव will be that is this length that is height of the cylinder. So, the height of the cylinder is 2 r. So, what is the surface area of the cylinder? It is 4 pi r square and what is the curved surface area of the cylinder? It is 2 pi only the curved surface area we are not taking the total surface it is 2 pi r h. So, we have it as 2 pi multiplied by 2 r which comes out to be 4 pi r square. So, when you are comparing it what is that you find? It is 1 is to 1.

अब स्पेयर और कोन को दोनों को साथ लेकर आ रहे हैं कि सरफ़ेस एरिया ऑफ द स्पेयर एंड कर्व सरफ़ेस एरिया ऑफ द कोन इज कंपेयर्ड क्या रिलेशन दिया है फाइव टाइम्स ऑफ द कर्व सरफ़ेस एरिया ऑफ द कोन सो दिस इज इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव सरफ़ेस एरिया ऑफ स्पीय इज फाइव टाइम्स द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द कोन सो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द फॉर्मुला जो है अप्लाई करते हैं अपन सर्फेस एरिया ऑफ द स्पेयर क्या है फोर रेडियस दिया है उन्होंने फाइव 5 multiplied by curved surface area of the cone. It is pi r l. That's the curved surface area of the cone. It's pi r l. R दिया है L is not known. ठीक है और इसके बेसिस पे निकालना क्या है उन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द कोन ठीक है नाउ देखिए ये फॉर्मुला में सब्सटीट्यूट किया है वैल्यूज तो वी हैव अ वेरी क्लियर सिंप्लीफिकेशन एंड दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू फाइव इज द लेंथ ऑफ the lateral side of the cone is 5. And when you visualize it, we find that the figure that we get by having height, radius and the lateral surface uh, lateral side of the cone as a right angle triangle. This is how we make it in the on a page. So, right angle triangle ka picture milta hame. So, right angle triangle mein, lateral side L the hypotenuse is 5, base the radius is 4. So, bachcho yaad karke dekho, do we need any calculation? Don't we have this? We are, can't we use the Pythagoras theorem here? So, don't we have this as a right angle triangle? If in a right angle triangle you have 4 uh, and 5 are the 2 sides, then obviously the third side is that is hypotenuse is 5, the third side is th 3. दैट इज हाउ वी इवेल्युएट दैट इज यू डोंड टू शो क्योंकि अभी आप लोग नाइन्थ में आगे इट इज अंडरस्टुड दैट थ्री फोर फाइव पैथेगोरियन ट्रिपलेट है यू कैन ऑलवेज राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दट इज आज विदाउट एनी कम्पिटिशन दैट वट हैव शोन देखिए मैंने दिखाया ही नहीं कैसे देव फोर यू कैन राइट देव फोर इच इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर स्ट्रेट नाउ अभी तक कोई डाउट ऐसा लग रहा है क्या क्लियर होना है अदरवाइज आई गो फर्दर नाउ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है एक्चुअली तो ये है हमको देखना है कि हाउ टू हैंडल दोज क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन देखिए द रेडियस ऑफ अ असियर इज इंक्रीज बाय टेन सेंटीमीटर ठीक है नाउ यू हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया दैट मीन्स अगर इंक्रीज हो रहा है रेडियस ऑब्वियसली उसका सरफेसेस भी इंक्रीज होता है आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा बच्चों बलून का छोटा साइज बनी हुए है स्मॉलर बलून उसमें और एयर पम्प इन करेंगे आप एयर डालेंगे तो उसका साइज बढ़ जाता है द मोर द साइज इंक्रीजेज इट्स सर्फेस एरिया विल ऑल्सो इंक्रीज तो ये इंक्रीज कितना होगा ये देखना है आपको तो ओरिजिनल रेडियस अब मेड द स्टेबल इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं अपन रेडियस ओरिजिनल आर है अब नया रियल रेडियस है इट हैज़ इंक्रीज बाई टेन परसेंट तो ये न्यू रेडियस कैसे निकालते ओरिजिनल रेडियस के साथ टेन परसेंट ऑफ इट इज एडेड सो दैट इज टेन अपॉन हंड्रेड आर सो वेन यू टेक अप दिस कैलकुलेशन दैट कम्स आउट टू बी हंड्रेड एंड टेन अपॉन हंड्रेड आर फाइन सो दैट इज वन पॉइंट वन आर द न्यू रेडियस विल भी वन पॉइंट वन आर ओरिजिनल स्पेयर का जो सरफेस एरिया है फोर पाई आर स्क्वायेर एंड द न्यू स्पेयर का सरफेस एरिया इज फोर पाई मल्टीप्लाई वन पॉइंट वन आर होल स्क्वायेर है ठीक है नाउ वॉट इज द इक्रीज हाउ डू यू फाइंड द इंक्रीज इंक्रीज इज द चेंज इन द एरिया इन चेंज इन एरिया मीन्स न्यू एरिया माइनस द ओरिजिनल एरिया सो न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया तो आप देखिए इसका कैल्कुलेशन में भी यू हैव सम क्वान्टिटी कॉमन इट इज़ फोर पाई आर स्क्वायर कॉमन what is left inside the bracket? Inside the bracket you have it as 1.1 square minus 1. So, you can read this as a formula there is a formula uh, there is an identity here. Mm. We can apply the identity instead of going for the square of 1.1 then subtracting it from 1. We can go in for the formula which makes things easier that is a minus b.

मैम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ एंड आई थिंक वी वोंट बी एबल टू टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन बट वट एवर यू हैव शेयर विद सो फार इज डेफिनेटली सो क्लियर एंड एम श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव नो डाउट्स एज ऑफ नाउ बट इन केस यू हैव डाउट्स यू कैन ऑलवेज राइट एन ई मेल टू आस एंड दोज ई मेल्स विल डेफिनेटली बी आंसर्ड बाई द एक्सपर्ट दो मैम हैज़ क्लियरली एक्सप्लेन की कब कहाँ किस तरीके से फॉर्मूलाज यूज़ होंगे और आपको जो वैल्यूज दी गई हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है आई थिंक दिस वे दे कैन लर्न कि कैसे इजीली और जल्दी कम्पिटेशन करे करें कंपिटिशन वाले पार्ट में बच्चे गए जल्दी करने yes. में गलतियां करती हैं और आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यूज इजी कैलकुलेशंस के लिए दी गई हैं और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आप जल्दी से अपने कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं मैम आई थिंक हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन में ले sure, लेंगे sure. और उसमें हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे बट फॉर दिस सेशन मैम वी वुड लाइक टू एक्सटेंड अ थैंक्स टू यू थैंक यू सो मच टू ऑल माई लर्नर्स थैंक यू Right. So, viewers, it's now time for me to wrap up this particular session over here. This was uh, for the students of class 9 under the subject mathematics. We studied surface area and volume part 2. In a short while from now, you can uh, watch another live and interactive session of ours titled Population Part 1 under the subject social science. So, till we meet next, this is Mihal Preet kaur signing off. Take care. Namaskar.